मैम दो भाइयों में लड़ाई चल रही है तेज प्रताप और तेजस्वी में, क्या कहेंगे? बीजेपी में जदयू में लड़ाई चल रहा है, हम लोग के घर में लड़ाई नहीं। अच्छा जीतेंगे, दो सीटों में चुनाव हो रहा है, जीतेगा आरजेडी। लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई के बीच राबड़ी देवी रविवार शाम दिल्ली से अचानक पटना आई और सीधे तेज प्रताप के आवास पहुंची। उनके साथ विधान पार्षद सुनील सिंह भी थे। कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को दोनों भाइयों में सुलह कराने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना भेजा है। विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव को लेकर दोनों भाइयों के बीच ठनी हुई है, इससे परिवार की किरकिरी हो रही है। सूचना है कि राबड़ी देवी की मुलाकात तेज प्रताप से नहीं हो पाई। दरअसल तेज प्रताप को पहले ही पता चल गया था कि उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उनके सरकारी आवास पर आने वाली हैं, इसलिए वो अपने आवास से बाहर चले गए। दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। राबड़ी बहुत देर तक इंतजार करती रहीं, फिर अपने आवास लौट आईं। राबड़ी ने काफी देर तक तेज प्रताप से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। दिल्ली से करीब 8 महीने के बाद पटना लौटी राबड़ी देवी ने हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में अपने परिवार में लड़ाई से इनकार किया। पत्रकारों के सवाल पर राबड़ी ने कहा कि मेरे घर में कोई झगड़ा नहीं है, भाजपा और जदयू में लड़ाई चल रही है, दोनों सीटों पर राजद प्रत्याशियों की जीत होगी। बता दें कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप हाल के दिनों में दिए गए अपने बयानों के वजह से परिवार से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लालू को 2-4 लोगों ने दिल्ली में बंधक बनाकर रखा है। इसके बाद राजद के स्टार प्रचारकों की सूची से उन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि उसके कुछ ही दिन बाद फिर तेज प्रताप यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम स्टार प्रचारकों में होता ना होता, कम से कम माँ और बहन का तो होना चाहिए, बिहार की महिलाएं सब याद रखेंगी। गौरतलब हो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बीते शाम पटना पहुंच चुकी हैं। उन्होंने आते के साथ ही भाजपा और जदयू को लेकर के बयान दिए, कहा कि मेरे परिवार के अंदरूनी खाने कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा और जदयू में लड़ाई चल रही है। गौरतलब हो कि इसके बाद वो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप से मिलने उनके आवास पहुंची, लेकिन तेज प्रताप से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में ही देखना होगा कि जब राबड़ी देवी 8 महीने बाद दिल्ली से पटना आई हैं, तो क्या तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की लड़ाई सुलझा पाती हैं।